Welcome back, my dear students of class 6. This is the next part for chapter 2, which is components of food. We were discussing. तो अभी तक हम लोगों ने प्रोटीन से डिस्कस कर लिया था. आज हमें उसके आगे डिस्कस करना, दैट इज विटामिन्स की हमें बात करनी थी. विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स भी एक पार्ट होता है जो हम फूड में लेते हैं. हालांकि ये विटामिन्स जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट से कम अमाउंट में होते हैं, है ना. जो मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मेजर अमाउंट होता है, उसके बहुत कम होते हैं विटामिन्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं. ठीक है, ये हमारे लिए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी, अच्छे से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसके लिए विटामिन्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. साथ में इसको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है क्योंकि हमें हर तरीके से हमारी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर ए बी सी डी ई एंड के. दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स. दीज विटामिन्स आर रिक्वायर्ड एज विटामिन ए इज गुड फॉर आईज एंड स्किन. आईज और स्किन को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए इज टू मच रिक्वायर्ड. ओके, बी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. आरबीसीज का फुल फॉर्म होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स या कार्पसल्स. आप सेल्स ही याद रखो अभी, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, इनकी फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होती है ब्लड में. ठीक है, तो ये भी इसके लिए जरूरी होता है. सी विटामिन सी जो हमारा पाया जाता है नींबू में, लेमन हो गया, ऑरेंज संतरे में, ये विटामिन सी जरूरी होता है हमारे टीथ के लिए, गम्स के लिए एंड बोन्स के लिए. हड्डियां, टीथ, गम्स एंड बोन्स, सी बहुत जरूरी होता है. डी होता है बोन्स एंड टीथ. डी भी हमारा बोन्स और टीथ के लिए जरूरी होता है. ई भी हमारा बॉडी और स्किन के लिए जरूरी होता है, जैसे कि हमारा आईज स्किन था, ये बॉडी एंड स्किन. एंड केस और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आप हमेशा खेलते होंगे तो आपको जैसे कि कोई भी चोट लग जाती होगी, इंजर्ड हो जाती है ना, खून निकालने लगता है, फिर देखते देखते वो अपने आप बंद हो जाता है और थक्का जम जाता है खून का, इसको कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जम जाता ना खून सूख जाता, हम कहता रहे तो चोट सही हो गई है, दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इसके लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, के. तो ये वेरियस विटामिन है जो हमें जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. ठीक है, इसके देखिए आपकी बुक में ये सारी चीजें लिख रखी हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा ये नोट करने की जरूरत नहीं, केवल आपको याद रखना है. ठीक है, विटामिन से ही हम जो रहता है इसको प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहा गया क्योंकि दिस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज. ठीक है, डिसीज वगैरह की प्रोटेक्शन से अगर हमें प्रोटेक्शन करनी है तो विटामिन हमारी बॉडी में होने चाहिए, मतलब मेनली हमारा इम्यूनिटी पावर यहीं से है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके बाद मिनरल्स. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स क्या, मिनरल्स भी हमारे प्रोटेक्टिव फूड में ही आते हैं. मिनरल्स क्या होते हैं, ये भी विटामिन्स की तरह स्मॉल क्वांटिटीज में ही हम इंटेक करते हैं फूड के जरिए. और ये इनके कुछ एग्जांपल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, ये तो आपने नाम सुने होंगे. इसके अलावा भी कुछ होते हैं, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, और इस तरीके से पोटेशियम हुए. ये सारी चीजें हमें जरूरी होती है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि ये भी प्रोटेक्टिव फूड ही रहते हैं. कुछ बोन्स के लिए जरूरी है मिनरल्स, कुछ हमारी हेल्दी चीजों के लिए है, जैसे कि आपका हो गया प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन, अच्छे से हड्डियां मजबूत रहे उसके लिए आपको कैल्शियम की जरूरी है, फॉस्फोरस जरूरी है, टीथ के लिए मजबूती के लिए ये दोनों जरूरी हैं, आयरन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपके ब्लड की क्वालिटी के लिए, हीमोग्लोबिन वगैरह के लिए. ठीक है, आयोडीन हमारे लिए जरूरी है, एक गोइटर डिसीज होता है, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमें गोइटर डिसीज हो जाता है, तो इसके लिए हमें सारी चीजें इसेंशियली हमें लेना जरूरी होती है. ठीक है, जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इनका सोर्स कहाँ है, इनके सोर्सेस मिल्क हो गया, एग हो गया, चीज हो गया, पल्सेस हो गए, इनमें मतलब जनरली आपको कैल्शियम मिल जाएगा, आयरन वेजिटेबल हो गए, नट्स हो गए, एग्स हो गए. आयोडीन के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्ट, जनरली हम बोलते हैं टाटा नमक में आयोडीन है, तो वही आयोडीन का होता है, सॉल्ट में होता है, फिश में होता है, सीवीड्स, सी फूड्स मतलब समुद्री खाने, जैसे कि वहां पे लोग कुछ खाते हैं, फिशेस वगैरह हो गए, ये सब सी फूड में ही आ जाता है जनरली. ठीक है, तो ये मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. इनकी कमी से हमें छोटे मोटे डिसीज हो सकते हैं, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, और ये हालांकि छोटे मोटे डिसीज नहीं, काफी खतरनाक डिसीज हैं. अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी है तो हमारे टीथ घुलने से लगते हैं, बेकार मोटल टीथ, कमजोर दांत रहेंगे. ठीक है, तो ये कुछ डिसीज है हमारे टीथ से रिलेटेड. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है जिसकी हमें बात करना है, दैट इज
फाइबर। अब इसके बाद हम इसमें ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमें जो पढ़ना है दैट इज फाइबर। ये हमारा न्यूट्रिएंट्स में नहीं आता, इसकी कोई भी न्यूट्रिएटिव वैल्यू नहीं है, नो न्यूट्रिएटिव वैल्यू, मतलब न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से हमारी बॉडी के लिए ऐसे कोई खास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसको हम रगेज भी कहते हैं सबसे पहले, तो एक और नाम आर ओ यू जी एच ए जी ई, रगेज। ठीक है, इसका कोई न्यूट्रिएटिव वैल्यू नहीं होता है। इसके काम क्या होते हैं, देखो कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया था, इसको प्रिवेंट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे हमें छुटकारा दिलाता है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। सोर्सेज, इसके सोर्स क्या क्या है, देखो वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फूड्स, फ्रूट्स, पल्सेस। वेजिटेबल्स में आपकी हरी सब्जियां हो गई आपकी, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर इसका हम देख लें, ग्रीन वेजिटेबल्स में कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, कैरेट। ग्रीन्स में आपका वीट हो गया, राइस हो गया। फ्रूट्स में एप्पल हो गया। पल्सेस में आपका पी हो गया, ठीक है। तो ये सॉरी पल्सेस में बीन्स हो गया, पी नहीं, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सोर्सेस होते हैं, इनसे हमें ये फाइबर गेन हो जाता है, ये हमारे कुछ पर्टिकुलर कुछ चीजों में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज वाटर। ये सबको पता है, वाटर के विदाउट द लाइफ नॉट पॉसिबल है, ना हम सरवाइव कर सकते हैं किसी भी कीमत पे अगर पानी ना मिले, ठीक है। ये क्यों जरूरी था, ये बहुत सी चीजें करता है। देखो पहली बात, वाटर हमारी मैक्सिमम जो हमारे बॉडी का पोर्शन है, मोर देन 90% वो वाटर से ही बना हुआ है, ठीक है। तो है क्या, मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जहां जहां वाटर फ्लो करता है, तो एक जगह अगर जैसे कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया बॉडी में, तो वो टेम्परेचर पानी के जरिए वो फ्लो करते करते पूरी बॉडी में फ्लो कर देगा। ठंड लग रही होगी हमें, तो थोड़ी सी गर्मी पूरे में फ्लो करेगा, तो मतलब एक बॉडी का टेम्परेचर करेगा, यही हमें बैलेंस करवाता है। जब ठंड में हमें थोड़ी सी ज्यादा ठंड लग रही होती है, तो थोड़ी देर में हम नॉर्मल हो जाते हैं बॉडी, तो ये वाटर का ही काम होता है। या गर्मियों में हमें थोड़ा सा राहत मिलती है, तो ये काम इसी का ही है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, जब हम खाना खाते हैं वो हमारा अंदर जाता है, जैसे सबको पता ही है, नहीं पता है तो हम हायर क्लासेस में अभी देखेंगे, नेक्स्ट ईयर भी आप लोगों को पढ़ना है कि जो हम फूड खाते हैं, माउथ से फूड एंटर होता है तो विथ सलाइवा, जो लार होती है हमारे माउथ की सलाइवा, उसमें ये पूरा फूड है ना मिक्स हो जाता है, फिर उसको हम चबाते हैं, ये अंदर जाता है, और बॉडी में जब पानी वगैरह से मिलते हैं तो पूरा जो वाटर है ये पूरे न्यूट्रिएंट्स फूड के एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये भी हम वाटर से ही करते हैं, क्योंकि डाइजेशन के बाद एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हमारा पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वहां पर पूरा एब्जॉर्बेशन जो होता है ना, एब्जॉर्प्शन ये पूरा होता है, तो वहां पे ये पानी के फॉर्म में ही पूरा डाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट करके उसको ग्लूकोज बना देते हैं, और उसी ग्लूकोज से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। दैट इज नथिंग, जस्ट वाटर ओनली। एंड ये हमें हेल्प भी करता है, जैसे कि कुछ अनवांटेड चीजें रहती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे वेस्ट जो हमने खाना खाया है, कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे, हमेशा हमें केवल काम की चीजें नहीं मिलती, कुछ फालतू एक्स्ट्रा चीजें भी जो हमारी यूज की नहीं है, उन चीजों को बॉडी से कैसे बाहर निकालेंगे, थ्रू यूरिन, पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, यूरिन, ठीक है, एंड स्वेट, पसीना, इन दो चीजों के जरिए हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है। सो हियर वी कंप्लीट द टॉपिक मिनरल्स। इसके अलावा हम एक थोड़ा सा और आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड्स on the basis of their role. तो generally जो भी हम food वगैरह खाते हैं, इससे जो हमें nutrients मिलते हैं, ये generally तीन तरीके से होते हैं। एक होते हैं, starting में मैंने बोला था carbohydrate type, जैसे कि energy giving, energy giving compounds, ये न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, मतलब एनर्जी गिविंग फूड्स लिख लो, चलो एनर्जी गिविंग ही लिख दो, एनर्जी गिविंग फूड। दूसरा एक हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव फूड, जस्ट अभी देखा है, एंड थर्ड वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड,
ये तीन तरीके से ई फूड होते हैं, यही हमें जनरली, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एनर्जी गिविंग फूड, वो फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। प्रोडक्टिव फूड जो हमें हेल्प करते हैं, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए। बॉडी बिल्डिंग्स, बॉडी बिल्डिंग में हमारे आ गई कुछ चीजें, प्रोटीन्स, जैसे कि हो गया, इसमें प्रोटीन आ गया, ठीक है। सेकेंड प्रोटीन हो गया, इधर कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, और फैट हो गया, ठीक है, इसमें विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ठीक है। इस तरीके से यही चीजें हमें इसके बारे में पढ़नी थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब कि ऐसी कौन किस तरीके से हमें वो डाइट लेना चाहिए कि हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हमारी बॉडी की कहीं भी ग्रोथ कम ना हो। बैलेंस डाइट मतलब होता क्या है, मैंने हिंदी में मीनिंग दिया था, बैलेंस डाइट दैट इज संतुलित आहार। बैलेंस डाइट मतलब क्या हो गया, जिसमें सारी चीजें कंटेंट हो, मतलब अ डाइट कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ले लो चलो ऑल द न्यूट्रिएंट्स, अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट या एडिक्वेट क्वांटिटी। एडिक्वेट क्वांटिटी इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। मतलब क्या कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने तीनों बताया, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव और एनर्जी गिविंग, और एक प्रॉपर अमाउंट में, कि इतनी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसे हम फूड को कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। और जनरली डाइट क्या होता है, अगर इसमें से मैं बैलेंस हटा दू तो डाइट में क्या आ जाएगा, द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे, ठीक है, या इन अ डे लिख दो, चलो इन अ डे, उसको हम बोल देते हैं डाइट। मतलब जो भी हम खाते हैं, ये क्यों जरूरी है बैलेंस डाइट, इसलिए वो डाइट तो हम खाते ही हैं, वो बैलेंस डाइट हम इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सारे हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर हमें डाइट मिलेगी, पूरी ग्रोथ हमारी प्रॉपर होगी, इससे क्या होगा, एसेंशियल जब न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है, बीमार नहीं पड़ेंगे, नो सिकनेस, इस तरीके से। तो ये चीजें हमें फायदा होगा, तो ये हमारा एक बैलेंस डाइट हो गया। तो मतलब आज हम लोगों ने काफी कुछ चीजें खत्म कर दी हैं, जैसे कि हमने यहां से स्टार्ट किया था विद पेज नंबर 18, सो यू नीड टू रीड 18, 19, 20, 21, यहां तक पेज नंबर 21 तक हमें ये कंप्लीट करना है। यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया, यहां तक ये चार पेज आप पढ़ लेना, 18, 19, 20 एंड 21। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क इज रीड द पेज 18, 19, 20 एंड 21, और नोटबुक सब कंप्लीट कर रहे होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, सब लोग नोटबुक कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यही खत्म करते हैं।